Hello everyone, welcome to my channel. So today I am going to tell about how to fill TAR book or Cadet training record book. This video is for basically Trainee OS, Deck Cadet and Engine Cadet. So before watch this video, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. So guys, I will tell you that this is our record book. This record book Deck Cadet, Trainee OS and Engine Cadet. Three of them are the same. फर्स्ट का जो भी पेज होता है वो सेम होता है. उसके बाद डेक कैरेट के लिए एक्स्ट्रा तीन एक्टिविटी बुक होता है. ठीक है, ये वाला बुक हो गया बल्क कैरियर, अपना कंटेनर और नेविगेशन का प्रॉब्लम और बेसिक LSFFA का प्रॉब्लम है. मतलब क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना पड़ेगा इसमें. आप अगर ये वाला बुक खोलेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा इसमें क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा. और ये वाला बुक हो गया आपका गैस टैंकर में जो सेल करेगा उसके लिए है. और ये वाला हो गया अपना ऑयल कैम टैंकर एंड जनरल ऑयल टैंकर इसके लिए. ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये जो रिकॉर्ड बुक है ये क्या आप कैसे फिल करेंगे. इसमें बहुत सारा जगह में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेचर स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत सारे को मालूम नहीं है तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आप कैसे फिल करेंगे. ये वीडियो बहुत लंबा होगा बट आप लोग देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बुक कैसे फिलअप होता है. कि आपका जो ये रिकॉर्ड बुक होता है ये क्या आप कैसे फिल करेंगे. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे फोटो डालना पड़ेगा और आपका जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये सब आपको फिल करना पड़ेगा. इसके बाद है ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. एक्नॉलेजमेंट है, फिर आपका STCW प्रोविजन है, बस आपके पढ़ने के लिए है कि मतलब आपके ये बुक का जो भी रूल है आपको मालूम चल जाएगा इसके बारे में. फिर इधर आपका नेक्स्ट आता है आपका इंडेक्स मतलब इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा पेज में क्या क्या है इसे मालूम चल जाएगा, इसे पढ़ना पड़ेगा आपको. फिर आता है आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब देखिए आप यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी ट्रेनिंग ऑफिसर का क्या रोल्स है, मास्टर शिपबोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर कैडेट, इसका मतलब क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा लिखा हुआ है इधर. फिर नेक्स्ट आता है आपका कैडेट्स पर्टिकुलर. ठीक है, तो इसमें आपका पूरा आपके बारे में, अगर आप कैडेट है तो आपके बारे में पूरा आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा. आपका ब्लड ग्रुप से लेकर आपका एड्रेस, आपका फादर का नाम, फिर आपका कॉलेज का, आपका क्लास 10 का मार्क्सशीट, आपका कॉलेज का मार्क्स. फिर नेक्स्ट पेज में सेक्शन 3.3 प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिकॉर्ड में आपका इधर कॉलेज का सब कुछ डिटेल्स डालना पड़ेगा. फिर आपका आप जो भी शिप पे आप सेल किए हुए हैं उस शिप का पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा. ठीक है, फिर यहाँ पे आप जो भी कोर्स किए हुए हैं उसका भी डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, जो भी मतलब STCW कोर्सेस है, फिर आपका मॉड्यूलर कोर्सेज जो भी किए हुए हैं. फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है रिकॉर्ड ऑफ सी सर्विस. देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ सी सर्विस में आपको यहाँ पे आप जो भी शिप पे सेल किए हुए हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसका IMO नंबर, फिर आपका साइन ऑन डेट, साइन ऑफ डेट. फिर यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि वॉयस टोटल सी गोइंग सर्विसेज मंथ्स एंड डेज. फिर यहाँ पे ये जो कॉलम है टाइम स्पेंड ऑन ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटीज, मतलब आपका जो ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट है वहाँ पे टोटल जितना आवर है, मतलब सपोज कीजिए कि आपका 2 घंटा आप टोटल किए हैं, मतलब सपोज कीजिए आप 200 घंटा टोटल किए हैं टोटल आपका सिविल सर्विस में, फिर उसको 12 से डिवाइड करके फिर आपको मंथ एंड डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जो भी आपका वॉच कीपिंग आवर होगा उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करके फिर आपको मंथ एंड डेज में कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा टाइम स्पेंड ऑन ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटीज. ठीक है, फिर ये वाला के बाद आपका फिर नेक्स्ट आता है इधर शिपबोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर मंथली रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड बुक. ठीक है, यहाँ पे वाला आपका जहाज का नाम होगा, फिर आपका चीफ ऑफिसर का आपका कमेंट होगा, मंथली कमेंट. ठीक है, इस पे आप एकदम ये बहुत मस्ट है, आपको हर महीने पे आपको आपका चीफ ऑफिसर का सिग्नेचर और उनका कमेंट लेना पड़ेगा. हर एक मंथ का इधर उनका चीफ ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैम्प रहेगा, फिर इधर आपका डेट रहेगा. ठीक है, ऐसे करके आपका टोटल यहाँ पे 14 है, ऐसे 14 मतलब आप जितना महीना आप सेल करेंगे उस हर एक महीने का आपका इधर भरना पड़ेगा. और कमेंट इधर लिखा हुआ है कि कमेंट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट नहीं कि सेटिस्फैक्ट्री है कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ सेटिस्फैक्ट्री, ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा लंबा कमेंट लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये हो गया आपका चीफ ऑफिसर का सेक्शन. फिर इसके बाद आता है आपका मास्टर का सेक्शन. मास्टर का सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम है, वैसे ही है आपका. यहाँ पे जहाज का नाम है, फिर आपका कमेंट सेक्शन, कैप्टन का नाम, फिर कैप्टन का सिग्नेचर, डेट और शिप स्टैम्प और शिप्स ऑफिशियल स्टैम्प. ठीक है, ऐसे करके फिर आपका ये भी सेम है मास्टर मंथली रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड बुक. मास्टर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैम्प और सिग्नेचर, ये पूरा भर के आइएगा जहाज से. उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है कंपनी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिव्यूज ऑफ द रिकॉर्ड बुक. ठीक है, ये रिकॉर्ड बुक यही देख सकते हैं, मतलब आपका जो भी कंपनी का जो भी सुपरिटेंडेंट आपके जहाज पे जाएगा
उनका यहाँ पे सिग्नेचर और आप उनका कमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट्स कमेंट्स नेम डेजिग्नेशन सिग्नेचर एंड डेट ये आपको फिल करना पड़ेगा जब जो भी सुपरिटेंडेंट आपके जहाज पे जाएगा या फिर आप जब ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट शिप पे, नेक्स्ट शिप पे ज्वाइनिंग करने के टाइम आपका जो भी सुपरिटेंडेंट आपको मिलेगा आपका ट्रेनिंग ऑफिसर उनसे आपको साइन लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं आपको रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर जो जहाँ जैसा रहेगा वही सिग्नेचर इसके अंदर भी रहेगा, मतलब ये सिग्नेचर के साथ ये सिग्नेचर मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं होगा तो ये इनवैलिड है, फिर करेक्ट नहीं है, फिर आपका फिर टारबुक फिर आपका अप्लाई नहीं होगा, फिर आप एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसका नाम है स्पेसिमेन सिग्नेचर, ये सिग्नेचर मतलब ये कॉपी है आपका सिग्नेचर का, मतलब ये प्रूफ है कि आप यही सिग्नेचर डालेंगे, ये यही सिग्नेचर डाला हुआ है इसके अंदर, मतलब आप कुछ भी सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो जो भी है कैप्टन चीफ ऑफिसर थर्ड ऑफिसर आप जिसका भी साइन करवाते हैं आपके आपके टारबुक पे उसका उनका सिग्नेचर रहना चाहिए ये स्पेसिमेन सिग्नेचर कॉपी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका टास्क ऑफ समरी रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक सेक्शन 1.1, 1.2, 1.3 ये सब है, आप जो जो भी टास्क किए हुए हैं और चीफ ऑफिसर का साइन लिया हुआ है इसके अंदर वहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि इस बुक पे देख सकते हैं एक दो जगह खाली है, मतलब ये सब किया हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब में टिक मारा हुआ है बट दो तीन जगह में यहाँ पे खाली है, मतलब ये सब भरा हुआ नहीं है, मतलब ये सब किया हुआ नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे तो टिक मत मारिए, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा सेक्शन यहाँ पे भरना पड़ेगा, टिक मारना पड़ेगा। फेज टू नेविगेशन, ठीक है, ये भी करना पड़ेगा आपका। आप जो भी टैंकर ऑयल टैंकर केमिकल टैंकर अगर आप गैस टैंकर नहीं किए हैं तो मत भरिए, अगर आप पैसेंजर शिप नहीं किए तो मत भरिए, जो भी जो आप किए हुए हैं ओरिजिनल जहाज पे उसी को भरिए, ठीक है। उसके बाद फिर से ये आता है सेम समरी रिकॉर्ड ऑफ ऑल टास्क। और एक चीज़ ध्यान रहेगा, ये इधर आपका चीफ ऑफिसर का साइन रहेगा, इधर चीफ ऑफिसर का साइन रहेगा और डेट रहेगा, चीफ ऑफिसर का इधर साइन रहेगा और डेट रहेगा, ठीक है, और इधर भी साइन और डेट रहेगा इसमें भी। फिर इसमें फिर नेक्स्ट आता है कि जो भी आपके जहाज पे VOD होता है, जो भी वीडियो टेल प्रोग्राम होता है उसका एक रिकॉर्ड बनना, आप महीने में आप एक देखते हैं या दो देखते हैं या पांच देखते हैं उसका, फिर वो टॉपिक लिख के फिर आप किसी का भी सिग्नेचर लिख सकते हैं थर्ड ऑफिसर या फिर चीफ ऑफिसर का आप सिग्नेचर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये वाला सेक्शन भरना पड़ेगा इधर। उसके बाद आता है आपका ये शिप बोर्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फैमिलियराइजेशन। यहाँ पे देखिए आप जो भी जहाज ज्वाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दो जहाज का लिखा हुआ है, ये सब टॉपिक पे आपका सिग्नेचर लेना पड़ेगा ऑफिसर का, ये पूरा टॉपिक पे, ठीक है। जहाँ जहाँ सिग्नेचर किया हुआ है आपको हर जगह पे सिग्नेचर लेना पड़ेगा। फिर आपका नेक्स्ट पे जाता है इधर इंसर्ट बोर्ड एंड फायर मास्टर स्टेशन एंड अदर डिटेल्स इन द टेबल बिलो एंड रिक्वेस्ट द मास्टर टू साइन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपका आप जिस भी जहाज पे आप ज्वाइन करेंगे उस जहाज पे आपका लाइफ बोर्ड मास्टर स्टेशन का ड्यूटीज क्या है, लाइफ बोट ड्यूटीज़ क्या है, इमरजेंसी मास्टर स्टेशन का ड्यूटीज़ क्या है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ क्या है, ऑयल स्पिल ड्यूटीज़ क्या है, शिप सेफ्टी ऑफिसर का आपका नेम क्या है, फिर शिप सेफ्टी, फिर आपका शिप सिक्योरिटी ऑफिसर का नेम क्या है, फिर मास्टर नेम सिग्नेचर पूरा आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका शिप्स पर्टिकुलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा शिप का पर्टिकुलर है आपको ये पूरा भरना पड़ेगा। यह हो गया फर्स्ट शिप, सेकेंड शिप, फिर नेक्स्ट थर्ड शिप, फोर्थ शिप, आप जितने भी जहाज करेंगे उसके लिए। फिर यहाँ पे फिर है देखिए फिर आता है कि ROR का सेक्शन। ROR का देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप जो भी आप टास्क करेंगे आप चीफ ऑफिसर का साइन लेके फिर वो डेट देंगे, ऐसे पूरा सेक्शन है आपको ऐसे पूरा भरना पड़ेगा। फिर अभी आता है ये टास्क फॉर नेविगेशन, ऐसे पूरा बुक अभी टास्क से भरा हुआ है। हर एक टास्क के पीछे देख सकते हैं यहाँ पे 1.1.1 जो भी आप इंडेक्स है हुआ ये नंबर लिखा हुआ है। आप जो भी टास्क करेंगे अब आपका चीफ ऑफिसर को बोलेंगे, फिर चीफ ऑफिसर यहाँ पे साइन करेंगे, फिर आपका डेट आएगा इधर, ठीक है। ये पूरा ऐसे ही है, ये पूरा सेम टू सेम है। देखिए ऐसे आपके यहाँ पे चीफ ऑफिसर का साइन होगा, फिर उनका फिर यहाँ पे डेट होगा, आप मतलब कौन सा डेट पे आप उनका साइन लेते हैं, फिर ये सब सेम टू सेम चीज़ है। ये सब आपको टास्क भरना पड़ेगा। फिर ये सब टास्क भरने के बाद फिर आता है, फिर ये सब खत्म होगा, फिर नेक्स्ट आएगा फिर रिकॉर्ड ऑफ स्टीयरिंग पे भी साइन लेना पड़ेगा। फिर स्टीयरिंग रिकॉर्ड ऑफ स्टीयरिंग बाय कंपास डे, ये सब आपको भरना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफ स्टीयरिंग, ठीक है। आप कितना घंटा स्टीयरिंग किए हैं और इसका कितना घंटा और OW का सिग्नेचर,
फिर आपका आता है ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट देखिए, ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आप एक एक जहाज़ पे भी ले सकते हैं या फिर आप कैप्टन से भी ले सकते हैं, हर एक कैप्टन से, बट मैं रेफर करूँगा कि आप एक जहाज पे ही ले लीजिए यहाँ पे, बिकॉज लिखा हुआ है दिस सर्टिफाइड दैट नेम दिस सब ऑन दिस शिप, तो यहाँ पे एक ही जहाज पे एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म यहाँ पे पूरा भरना पड़े, ये एक सर्टिफिकेट है आपका, यहाँ पे शिप स्टैम्प आएगा, कैप्टन का साइन रहेगा, फिर जो जो भी फिलअप करना है वो सब फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एट सी, अभी मैं चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ ब्रिज वॉच कीपिंग, ठीक है, ये ब्रिज वॉच कीपिंग का देख सकते हैं यहाँ पे एक ही फॉर्म है, बट आपका आप मतलब कौन सा डेट पे कितना घंटा वॉच किए हुए हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा इधर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक ही पेज होगा, बट इसका आप फोटोकॉपी बना के फिर आप इसको बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपको फोटोकॉपी बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऑफ ब्रिज वॉच कीपिंग, यहाँ पे जहाज का डिटेल्स, फिर आपका यहाँ पे डेट टाइम वॉयज नंबर वॉयज डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ वॉच, आप एट सी पे कर रहे हैं कि पायलटेज पे कर रहे हैं या फिर एंकरेज पे कर रहे हैं, फिर रिमार्क्स मतलब आप वॉच कीपिंग पर आपका एक्टिविटी क्या क्या किया, ब्रिज वॉच कीपिंग किए या फिर कंपास एरर वेरीफाइड जीएमडीसी टेस्ट आप जो भी करते हैं वो सब है लिखा हुआ आएगा, फिर आपका ओ डब्ल्यू का सिग्नेचर आएगा और फिर लास्ट में इधर आपका मास्टर का सिग्नेचर आएगा। ऐसे करके आपका हर एक वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट आपको भरना पड़ेगा जो भी रिकॉर्ड कीपिंग है, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ये सब भरना पड़ेगा, फिर आपका स्टीयरिंग का भी उधर, इसके स्टीयरिंग का आपका इसके बुक के अंदर ही है, फिर आपका पोर्ट वॉच कीपिंग का भी है इधर, और आप इंजन वॉच का भी बना सकते हैं, ठीक है, इंजन वॉच का सर्टिफिकेट भी है। तो ये हो गया आपका सर्टिफिकेट रिकॉर्ड कीपिंग का, रिकॉर्ड कीपिंग के बाद आपका फिर बताऊंगा आपको सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, आपको ऐसे भरना पड़ेगा ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट ऐसे फुल भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका फिर सेक्शन आता है पोर्ट वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, ये आपका आपका आ गया स्टीयरिंग सर्टिफिकेट, देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग सर्टिफिकेट है, आप कितना घंटा स्टीयर किए हैं जहाज, फिर कैप्टन का सिग्नेचर, ये बहुत सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके असाइनमेंट के लिए, सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये सब पूरा फिल रहना चाहिए। फिर आता है, फिर आपका आता है पोर्ट वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, आपको पोर्ट वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा कैप्टन से, मतलब ये पूरा वार्ड जो भी रिकॉर्ड कीपिंग है इसको भी दिखा के फिर यहाँ पे आपको ये पूरा भरना पड़ेगा पोर्ट वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। फिर आता है आपका इंजन रूम वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताऊँगा कि आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, कोई प्रोजेक्ट वर्क, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट नेविगेशन फेज वन फर्स्ट फेज सेकंड फेज, फिर प्रोजेक्ट 10.2 फर्स्ट फेज सेकंड फेज, ये पूरा आपको करना पड़ेगा। आपको एक अलग से कॉपी में नोटबुक पे, जैसे कि ये नोटबुक पे आप देख सकते हैं ये पूरा बना हुआ है इधर, जैसे देखिए ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना पड़ेगा और चीफ ऑफिसर का और साइन और स्टैम्प लेना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको जांच पे करना पड़ेगा, ऐसे पूरा आपको भरना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट नेविगेशन का फर्स्ट फेज सेकंड फेज, फिर सेकंड प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज सेकंड फेज, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप जिस टाइप का जहाज पे सेल किए हुए हैं उस टाइप का हर एक प्रोजेक्ट है, देखिए यहाँ पे आप कंटेनर के लिए है, अगर आप टैंकर किए हुए तो ये फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बल्क क्रियर के लिए है, अगर आप बल्क क्रियर किए हैं तो भी तो ही बस आप करेंगे इसको, नहीं तो नहीं करेंगे। ये वाला है आपका ऑयल केम टैंकर के लिए, अगर आप ऑयल केम टैंकर किए हैं तो आप ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है गैस कैरियर हैवी लिफ्ट वेसल, आप जिस टाइप के वेसल पे आप सेल किए हुए हैं उसी टाइप का आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना पड़ेगा, इसको ये डीएलपी और एसएसटी भी बोलते हैं इसको। तो ये बुक हो गया आपका, ये बुक ऐसे फिल होता है, इस पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट सिग्नेचर और स्टैम्प लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो भी आपका एक्टिविटी वर्क बुक, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीन बुक है एक्टिविटी, ये डेक कैरेट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इसको आप कैसे फिल करेंगे, टोटल सेम है, ठीक है, इसको आप ऐसे फिल करेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, फिर यहाँ पे शिप्स नेम लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, फिर चीफ ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैम्प और डेट लिखेंगे, ठीक है, ऐसे पूरा बुक है, ऐसे पूरा आपको भरना पड़ेगा।
पूरा ऐसे ही ये बोला ये इस पे है आपका, इस पे टॉपिक है आपका नेविगेशन कार्गो हैंडलिंग स्टोरेज और टास्क फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन ऑफ द शिप एंड केयर फॉर पर्सन ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग शिप सिक्योरिटी। और आपका इसके पे आपका जो भी प्रैक्टिकल नेविगेशन का जो क्वेश्चन है वो सब है आपको प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा जहाज पे, लॉन्ग ब्रेक रोन फिर मार्पस ठीक है ये सब करना पड़ेगा आपको जहाज पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको ऑयल केम टैंकर के लिए, यहाँ पे टोटल देखिए आप इसका इंडेक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे तीन है देखिए आप देख सकते हैं ऑयल केमिकल टैंकर, ऑयल टैंकर और केमिकल टैंकर। अगर आप ऑयल केम पे सेल किए हैं तो ऑयल केम का सेक्शन करेंगे, अगर आप ऑयल टैंकर पे सेल किए हैं तो ऑयल टैंकर के करेंगे, अगर आप केमिकल टैंकर पे नहीं किए हैं तो केमिकल टैंकर का करने का जरूरत नहीं है, आप जिस जिस टाइप का सेल किए हैं उसी को आप करेंगे ठीक है। इसका भी सेम है देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपका जांच का नाम लोकेशन सर का सिग्नेचर और स्टैम्प और आपका डेट, ये भी ऐसा ही सेम टू सेम है। और फिर नेक्स्ट बुक है गैस करियर, इसका भी सेम है गैस करियर ठीक है, यहाँ पे भी आपका वही सेक्शन है आपको आप जिस टाइप पे किए हैं आपको वही इस बस सेक्शन करना पड़ेगा, उसका भी सेम टू सेम है क्वेश्चन आंसर है और आपका शिप्स नेम लोकेशन सिग्नेचर और डेट ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये पूरा बुक भरना पड़ेगा। ये वाला बुक सबके लिए सेम होता है, मैक्सिमम सेम ही होता है, बट आपका बस एक्टिविटी वर्कबुक में चेंज होता है ठीक है। तो आप अगर आप थोड़ा सा ये करेंगे तो भर सकते हैं इसको। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे और आपका अगर कुछ भी हेल्प हुआ हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे वीडियो लिंक को सारे आपका जो भी डेक कैरेट या भी ट्रेनी ओएस या फिर इंजन कैरेट दोस्त है उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए।